हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ के हमारे चैप्टर नंबर एट। चैप्टर एट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब इस चैप्टर में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया हुआ है। कैसे देखूँ, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटर होता है, देर आर फोर साइड्स, एक फोर साइडेड फिगर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। और जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का सम भी क्या होता है, 360। इट मीन्स फोर साइडेड। एक तो क्या हो गई हमारे पास कंडीशन कि फोर साइडेड फिगर होती है और उसके जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 360। और जो एंगल का सम आ गया उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनके एंगल के जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या टाइप्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास आता है ट्रेपीजियम, पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ए स्केयर। ये हमारे पास दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सभी टाइप्स आते हैं। ट्रेपीजियम भी होगा, पैरेलोग्राम भी होगा, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ए स्केयर। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज ए पैरेलल। वन पेयर, एक पेयर होगा अपोजिट साइड्स का। ट्रेपीजियम है जो हमारे पास, ट्रेपीजियम के हमारे पास ये शेप होती है, आपके पास एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे, और इस इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रेपीजियम। इसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स का एक पेयर। अब देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरल। इनकी तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ही है, इसकी ये है, सेम डायरेक्शन नहीं है, बट ये जो दोनों लाइन्स है ये दो हमारे पास क्या है, पैरल हैं। तो यही कंडीशन होती है, वन पेयर ऑफ पैरल अपोजिट साइड्स है, कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर इज ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल। वो क्या होता है, कि पैरेलल। तो अब ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कि ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम में कंडीशन क्या होती है, एक पैरेलोग्राम जो होता है वो फोर साइडेड एक फिगर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलोग्राम की कंडीशन है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जो आमने सामने की उसके साइड्स हैं, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। अब ये हमारे पास आ गया ऐसे, कि ये जो हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगी, इसकी पैरेलल आएंगी और इक्वल भी आएंगी। ये दोनों साइड इक्वल भी होंगे और ये पैरेलल भी होंगी। तो ये क्या आ गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जो अपोजिट एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और इस एंगल के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और दोनों का जो डायगनल है, ये जैसे बीच में से हम ऐसे डायगनल ड्रॉ करते हैं, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स हाफ में डिवाइड करता है एक दूसरे को। ईच ऑफ डायगनल्स डिवाइड द पैरेलोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। और हर एक डायगनल एक पैरेलोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में ड्रॉ करता है। जैसे हमारे पास ये फिगर थी पैरेलोग्राम की, ये हमारे पास पैरेलोग्राम है, मान लिया मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गई, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट। तो क्या बोल देंगे, कि हर एक जो डायगनल्स है वो पैरेलोग्राम की, दो जो पैरेलोग्राम है, ईच ऑफ डायगनल्स डिवाइड द पैरेलोग्राम, एक जो डायगनल है वो पैरेलोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपने पढ़ भी रखी है पहले। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की हमारे पास ये फिगर होती है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कंडीशन क्या होती है, कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, इट मीन्स वो दोनों कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। ईच ऑफ एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और हर एक एंगल क्या होगा, 90 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल का। ये सभी क्या होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो डायगनल्स है इसके बीच में से ऐसे डायगनल ड्रॉ कर दिए हमने,
वो भी दोनों क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। जैसे ये जो डायगनल है ये इसके इक्वल आएगी, इसकी भी लेंथ, दोनों जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट, ईच ऑफ डायगनल्स डिवाइड द रेक्टेंगल इंटू टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स। इसी की तरह है ये भी हमारे पास, कि जो एक डायगनल मान लिया ड्रॉ कर दिया तो ये दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है, तो यही बोल देंगे कि ईच ऑफ डायगनल, हर एक डायगनल डिवाइड करता है द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को डिवाइड करता है इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट है एक काइट। अब हमारे पास काइट होता है, जो काइट की आपने वैसे शेप देख भी रखी होगी, ये हमारे पास होता है काइट, ये हमारे पास किसकी शेप होती है, काइट की। तो काइट की जो शेप होती है वो एक कभी भी हम पैरेललोग्राम में नहीं लेते, क्यों, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती। अब ये साइड है ये इसके इक्वल नहीं है, बट ये साइड इसके इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि काइट होता है जो वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होता, तो हम क्या लेंगे, ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। उसके बाद है रोम्बस। अब रोम्बस है, रोम्बस हम देखते हैं क्या होता है, रोम्बस और स्केयर में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या आई, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एक रोम्बस की सभी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास ऐसे होती है रोम्बस, ये हमारे पास क्या आ गई, एक रोम्बस आ गई, इसके हमारे पास क्या आ गई कि सभी साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये जो एंगल है इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद हमारे पास क्या, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल है जो डायगनल ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यहाँ पे जो कट करेंगे वो कितने कितने डिग्री पे कट करेंगे, 90 पे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। एंड नेक्स्ट है ईच डायगनल्स डिवाइड द रोम्बस इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और जो डायगनल्स हैं वो एक रोम्बस को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। बट रोम्बस में एक कंडीशन क्या नहीं होती, कि रोम्बस के जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, ये चेंज आता है हमारे पास स्क्वेयर और रोम्बस में। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वेयर। स्क्वेयर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो साइड्स हैं उन सभी की लेंथ इक्वल होती है, ईच ऑफ एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे बट स्क्वेयर में डायगनल्स इक्वल होंगी। जैसे हमारे पास ये दो शेप हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वेयर है, बट रोम्बस हमारे पास कैसे आएगा, ये शेप होगी। साइड्स तो इसकी भी सभी इक्वल होंगी, मान लिया ये भी 5 है, ये भी 5, और ये भी सभी, इसमें भी होंगी सभी सेम, बट इसका जो डायगनल्स है मान लिया वो आ गया आपके पास 6, इसका भी डायगनल 6 है, और इसका जो डायगनल है देखो, ये देखने से पता चल रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और ये जो डायगनल होगा इसकी लेंथ कम आएगी हमारे पास है, तो इसके जो डायगनल्स है वो इक्वल नहीं होते। रोम्बस के तो डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे बट स्क्वेयर के जो डायगनल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस है। अब आगे क्या, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जो डायगनल्स है वो कितने पे कट करेंगे, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे कट करेंगे। ईच डायगनल्स डिवाइड द स्क्वेयर इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और जो हर एक डायगनल है वो एक स्क्वेयर को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। आगे ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी यही होता है और ट्रेपीजियम में भी, कि उन कम से कम एक जो पैरेलल साइड्स हैं उनका एक पेयर है वो जरूर पैरेलल होगा, एक शेप है उसके अंदर एक पैर साइड्स है जो वो जरूर पैरेलल हुए। नेक्स्ट है स्क्वेयर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वेयर होता है वो एक रेक्टेंगल होता है एज वेल एज ए रोम्बस, जैसे एक स्क्वेयर है वो एक रेक्टेंगल होता है उसी तरह से वो क्या होता है, एक रोम्बस भी होता है।
ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर 8th का इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब एक्सरसाइज में आपके पास इसमें रोम्बस भी होगा, स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, इसी तरह से जो भी आपको बताया है ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम, ध्यान से पढ़ना ताकि इनका हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।